एवरीबडी, और आज हम जा रहे हैं कहीं पे और आप लोग भी चलिएगा और मेरे को वहाँ पे कुछ भी दिखाने लाइक मैं समझूंगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप लोगों को भी साथ लेके चलूंगा। तो आज वैसे कहीं क्या सीधी बात बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ बिलासपुर। एक्चुअली वहाँ पे मेला जो है वो 17 तारीख से लेके जो है वो 24 तारीख तक वहाँ मेला होगा। वैसे तो 25, 26, 27 को भी रहता है, पर जो असली मेला है वो है 17 से लेके 24 तक। तो वहाँ जा रहे हैं आज हम। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने जो ये देखिए ये सॉफ्टी वाली मशीन है, इसको लेके जाएंगे। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया भी था पीछे, कि यहाँ पे जो है वो दुकान पे काम नहीं है, बहुत कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वहाँ पे ही थोड़ा सा निकल जाए कुछ, मतलब कुछ भी थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है मेले में। तो ये सॉफ्टी वाली मशीन लेके वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे अभी पहले मैंने स्टार्टिंग में अभी तो प्लॉट ख़रीदना है वहाँ पे, और बिजली का भी करना है क्योंकि वहाँ पे बिजली का रेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा है और प्लॉट का भी ज़्यादा है। अभी मैंने औरों से पता किया था, बता रहे थे कि 12-13 हज़ार का जो है वो प्लॉट मिल रहा है 10 बाई 10 का। तो अभी कंफर्म करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है कि 3-4 दिन पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है जो प्लॉट लेना होता है उसकी, नहीं तो बाद में फिर मिलता ही नहीं है, प्लॉट बिक जाते हैं तब कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमारे को पहले वहां जाके बातचीत करनी पड़ेगी, पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो मैंने पैसे जो है वो इधर उधर से कर लिए हैं और फिर वहां पे जाके पहले प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर अगला काम जो है वो फिर स्टार्ट होगा। और अभी हम चलते हैं और फिर वहां जाके मैं जगह भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि यहां पे मैंने प्लॉट लिया और इतने बाई इतने का है, जो भी होगा वहां जाके ही पता लगेगा वैसे असलियत में। तो आप लोग भी चलिए। तो हम तीन भाई जा रहे हैं, अभी ये शिवदयाल भाई जी हैं और ये हमारे बलदेव भाई जी हैं। तो हम क्या अभी क्या जा रहे हैं बिलासपुर, ये मेरे साथ जा रहे हैं भाई, मेरी हेल्प कर रहे हैं, और ये भाई भी वहाँ पे शॉप करेंगे मेले में। और इन भाई को एक्सपीरियंस है, हर एक बंदे के साथ इनका उठना बैठना है, तो ये बात करवाएंगे वहाँ पे, जिनसे हमने प्लॉट लेना है उनसे ये बात करवाएंगे। और अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी जा रहे हैं, और आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जितना भी ग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे पूरा जो है वो भरा होता है मेले से ही, दुकानों से, और झूले वगैरह लगे होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, वो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये बिल्डिंग जैसी, तो ये ऑफिस है इनका, कमेटी वालों का। तो इससे नीचे जितना भी आपको ग्राउंड दिख रहा है वहाँ पे मेला जो है वो लगता है। और ये देख रहे होंगे आप, जो ये पाइपें जैसी गड़ी है ना, ये मतलब प्लॉट जो है वो बिक चुके हैं और यहाँ पे जो है वो मतलब ख़रीद लिए हैं जिन जिन को चाहिए होंगे। तो ये जो ये वाला है यहाँ पे वो बड़ा स्टॉल लगेगा। और यहाँ पे सोच रहे हैं हम, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ जैसे हम जो है वो प्लॉट ख़रीदें, और बहुत महंगा है वैसे यार, इतने पैसे इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल जैसा लग रहा है, पर अब देखते हैं कि क्या बनता है। लाइट
सुरमी है हमारी मुन्नी। तो ये देखिए अभी मक्की का आटा छान रही है, तो हम मक्की की रोटी बनाएंगे अभी, है ना। तो आप बनानी ज्योति कैसा हो गया आ अभी मार बना दे आऊँ तीजू बनाने आ हैं। आ मेरे को भी जाना है सर, बोल लेते हम करते हैं। चल देख खुद लो पकाई आओ मैं बनाऊंगा ना ना मार बना नहीं माफ दे दे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक और है आप? सुनाइए, अभी हमारे घर में पक रहा है खाना, अभी खाना और हमें क्या हो वेट गया करना अभी? पड़ेगा। भूख क्रिकेट खेल रहे हैं पर फिर भी वेट करना पड़ेगा, क्या करें। चूहा क्रिकेट खेल रहे लगाया मैंने टिशू। ज्योति जो है वो मक्की की रोटी बना रही है और हम मना कर रहे थे, पर मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, एक आधी बनवाते हैं इसे, फिर नहीं बनवानी। बनाए बनाई भी है कभी तूने? एक दिन तो बनाई थी, ए झूठ है सच्चा झूठ। अब पूछ कैसे कुछ भी रबड़ जब आटम नहीं है, पानी थोड़ा ज्यादा छोड़े आपको करनी है सर, तू नहीं दस दमारा। और ना यहाँ बात पे करनी तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है और मुन्नी के अभी ना आटा भी नहीं हुआ अभी, फटाफट फटाफट कर। और देखो एक और शख्स यहाँ पे बस इसको ना खिड़की में झांक रही है, क्या देख रही है तू? गाड़ी। क्या क्या देख रही है वो? कार गाड़ी। इसने देखी कार? कार भी पहली बार देख रही है। हाय एवरीवन, आगे खाना खा लेते हैं फिर करते बात। आज बनने लग रहा, खा लेते हैं। देखो 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 जी ये बना रही है, पर ये ना जबरदस्ती बना रही है, बनवा नहीं रहे इससे जबरदस्ती। ये देख 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 पर तो उठी देखी देखी ने बोर भी जाने लोग, मुनी अरे कोई नहीं है ना। पक्के घर थे आ रही हूँ पढ़नी विधान थे, फटाफट बना थे पुत, लंबी जाननी तेरी वीडियो। क्या ठीक है सी जी के समय में इतनी और ये खेलने भी पाने थी एक बार नहीं बच्चा एक वाह जी वाह, और बच्ची भी मैं बड़ी बार ठीक है। और नेक्स्ट रोटी के लिए फिर ते तैयार, बच्चों कोई पाहु नहीं बनाते नहीं ये रोटी तुम्हारे यार। बंदे भी तुझे भी तो बनाओ ये ते भी जाऊँ बड़ा ही गुरूंगा बे, आऊँ भी बड़ा से आना हूँ सबसे। वाह तू से आना छाना छाना छान। अच्छा भी ये टाइगर खाता भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, आज तो रूबड़ी यार को लाया था। किसे? रूबी, कपिल भाई की बुद्धि। रूबड़ी है उसका नाम? रूबी। रूबी हाँ। ये जो रेल बनाई थी ये अच्छा नहीं, खाना खा रहा है? खाना खा रहा है हाँ, खाना खाता है हाँ। दूध भी दवाई कितनी की रही? इसके इसके ऊपर जाने लगती है? और ये है कितने दिन फास्ट फास्ट से बना लेते एक माँ ठीक है पढ़ती इसको बेटा तब वो एक बनाई दो हाँ बस कटे आम भी बना दे रहा हूँ क्या अलग अच्छी चोटी लेती है गोदी में क्यों सोता तू भाई हैं? टाइगर भी टाइगर क्यों? ये गंदा है मेरे पीछे भागता है। गर्दन कैसे हिलती है इसकी साथ साथ में देखो सट 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 तो और सट सट अरे पार करिए ये जे ये तेरे के मेक ओवर करना हुआ है पार करना हो छाट 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 पार आख आख की देखना। देखो जी ये पहाड़ बन गया है एक और दूसरे में पड़ के छेद ए वाला आते थे डेंट डेंट डेंटिंग करे वे तेरी
ऐसे शाबाश, देखो कैसे डेंट लगा रही है, ये लगा डेंटिस में और यहीं कर बराबरे साहब शाबाश। ऐसे बनेगी बेटा, धीरे धीरे सीखते हैं, पर तेरे को अब जरूरत नहीं है, जब बस बस रहने दे। आज जो है कोल्ड खिचड़ा दोबारा से बना है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है वो कोल्ड खिचड़ा बना है। और दीक्षित को भी जुकाम है ना, और ज्योति को भी, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत गर्म होता है। ये जो कोल्ड होते हैं ना, ये बहुत गर्म होते हैं, तो कोल्ड ये होते हैं। देखिए ये जो है दाने जैसे ना, इसको कोल्ड बोलते हैं। और मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई है, तो पता नहीं अब कौन से चैनल पे है, पर जो हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला है उस पर मैंने बहुत पहले जो है वो डाली थी कोल्ड खिचड़े की रेसिपी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा। और ये कोल्ड खिचड़ा जो है वो सर्दियों में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में ही। ये देखिए जी, आपके सामने जो है वो थाली डाल रहे हैं, हिमाचली थाली, गांव के तरीके से जो है वो। कैसे हम तो ऐसी थाली में खाते हैं, वैसे लोग जो है वो प्लेटों में खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से खाते हैं, पर हमें ना ऐसे ही अच्छा लगता है थाली में। तो हमारे यहाँ ना सभी थाली में ही खाते हैं। और ये बना हमारा कोल्ड खिचड़ा, कितनी अच्छी लगी है ना कोल्ड खिचड़ा। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, और कितना स्वाद होता है ये, ये देखिए बहुत स्वाद होता है ये कोल्ड खिचड़ा, ये देखिए, वाह। ओके बाय।